खबरें खबरें खबरें, वेट बहुत हो चुकी खबरें, कुछ मनोरंजक हो जाए। खबरें ही देखेंगे पर बॉलीवुड स्टाइल में। जी हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी न्यूज की खास पेशकश खबर बॉलीवुड, जहां हम नजर डालेंगे मनोरंजन जगत में हो रही पांच बड़ी खबरों पर, जिसमें हम जानेंगे कि मनोरंजन जगत में सुबह से ही काफी हलचल मची रहती है। तो इसी बीच करण जौहर के निर्देशन में बनी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी ने जहां बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया, तो वही किस तरह ट्रेंड कर रहा है रसोड़े में कौन था के बाद अब यशराज मुखाटे का लप्पू सा सचिन ये गाना। तो चलिए मनोरंजन जगत में और क्या क्या रहा आज के दिन खास, चलिए जानते हैं मेरे साथ सिर्फ खबर बॉलीवुड में। बॉक्स ऑफिस को चीरते हुए 100 करोड़ के पार पहुंची आलिया रणवीर की फिल्म। रविवार की फिल्म ने की दमदार कमाई। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वर्किंग डेज पर फिल्म का बिजनेस भले ही घटा हो, लेकिन रविवार को सिंगल डे पर फिल्म ने काफी अच्छी कमाई की है। ये फिल्म घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। करण जौहर ने ए दिल है मुश्किल की रिलीज के 7 साल बाद रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से निर्देशन में वापसी की दमदार कदम रखे हैं। जिस तरह से रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टारर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है, उसे देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि करण जौहर का निर्देशन में वापसी करना सफल रहा। जेलर का नया प्रोमो है मजेदार। रजनीकांत के स्वैग ने बांधा समा, तो वहीं रजनीकांत की जेलर गदर 2 और ओ माय गॉड 2 से एक दिन पहले यानी कि 10 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। हालांकि आखिरी पलों तक मेकर्स ऑडियंस को फिल्म से जुड़े रखने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। हाल ही में तमन्ना भाटिया और रजनीकांत स्टारर जेलर का नया प्रोमो आउट हुआ। जेलर की रिलीज के दिन नजदीक है, ऐसे में मेकर्स ने इस मूवी का दूसरा प्रोमो भी जारी कर दिया है। इस प्रोमो की शुरुआत कावाला म्यूजिक से होती है, इसमें कई विजुअल्स दिखाई देते हैं। इसके बाद रजनीकांत की एंट्री होती है, जो किसी के पेट में छुपी बंदूकों को देख कर हैरान होते हैं। जेलर 2 का प्रोमो कमाल का है। फिल्म मूल रूप से तमिल में है, इसे वर्ल्ड वाइड भी रिलीज किया जाएगा और इसके फिल्म का पहला प्रोमो रिलीज किया गया था, जो कि उतना ही धांसू और धमाकेदार है जितना कि दूसरा वाला। 72 वर्षीय रजनीकांत प्रोमो के एक एक सीन में बांधे रखते हैं। उनके स्टाइल और स्वैग के आगे आज के स्टार भी फेल नजर आते हैं। सुष्मिता सेन को लोग बुलाने लगे थे छक्का, परेशान होकर एक्ट्रेस ने उठाया बड़ा कदम। सुष्मिता सेन इन दिनों वेब सीरीज ताली को लेकर सुर्खियां बटोर रही है। इस शो में वो ट्रांसजेंडर गौरी सावंत के रोल में दिखेंगी, जो समाज सेवा करती है। उनके संघर्ष भरे जीवन को ओटीटी की दुनिया पर दिखाया जाएगा। सुष्मिता ने ताली वेब सीरीज का प्रमोशन शुरू कर दिया है। हाल ही में एक्ट्रेस ने एक हैरान करने वाली बात बताई। सुष्मिता ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि ताली का पोस्टर सामने आने के बाद लोगों ने उन्हें छक्का बुलाना शुरू कर दिया था। ताली बजाती नहीं, बजवाती हूँ। जब सुष्मिता सेन ने इसका इस डायलॉग के साथ मोशन पोस्टर रिलीज किया, तो वो हर जगह छा गई। उनका पावरफुल अंदाज देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस रिस्की रोल को निभाने के लिए सुष्मिता सेन ने अपने लुक के साथ साथ बोली और चाल में भी काफी बदलाव किए हैं। एक पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में सुष्मिता सेन ने बताया कि ताली का पहला पोस्टर जब मैंने रिलीज किया था, तो उसमें मेरा आधा चेहरा और ताली दिख रही थी। मुझे याद है कि कमेंट सेक्शन में बहुत से लोग थे जो सोशल मीडिया पर भरा पड़ा है। लोग बार बार छक्का दिख रहे थे। मैंने सोचा वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। बहरहाल बॉलीवुड की दमदार एक्ट्रेस सुष्मिता सेन भले ही कम फिल्में की है, लेकिन जितना भी उन्होंने काम किया है, उनकी परफॉर्मेंस को हमेशा सराहा गया है। ताली में भी उनकी परफॉर्मेंस काफी दमदार नजर आ रही है। पहले रसोड़े में कौन था और अब लप्पू सा सचिन। यशराज मुखाटे ने बनाया एक और शानदार गाना। म्यूजिक प्रोड्यूसर यशराज मुखाटे एक बार फिर चर्चा में शुमार हो चुके हैं, क्योंकि यशराज ने इस बार ये वीडियो किसी सेलेब्स के डायलॉग पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सीमा हैदर और नोएडा के सचिन मीना पर बनाया है, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। इससे पहले भी उन्होंने कई सेलेब्स के डायलॉग पर भी वीडियो बनाए हैं। आइए डालते हैं इन सब पर एक नजर।
इन दिनों सीमा हैदर और सचिन मीना की लव स्टोरी हर गली मोहल्लों में फेमस हो रही है। सोशल मीडिया पर सचिन पर खूब मीम्स भी बन चुके हैं। इस बीच सचिन की एक पड़ोसन का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो सचिन को झिंगू सा लड़का बता रही है। अब इस पर यशराज मुखाटे ने एक गाना बना डाला जो दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि यशराज गा रहे हैं, बोलो वो पाए ना, किसी को वो भाए ना, समझ कुछ आए ना, ऐसा क्या है सचिन में। इस गाने में उन्होंने सचिन की पड़ोसन का वायरल हो रहा वीडियो भी जोड़ दिया है, जिससे ये गाना लोगों को काफी हंसा रहा है। ड्रग्स इशू पर फूटा सनी देओल का गुस्सा, कहा सड़ा हुआ बॉलीवुड नहीं सड़े हुए लोग है। सनी देओल एक बार फिर से स्क्रीन पर गदर मचाने के लिए तैयार है। अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी एक्शन फिल्म गदर 2 तीन दिन बाद यानी 11 अगस्त को सिनेमा घरों में दस्तक देगी। इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान हाल ही में सुपरस्टार सनी देओल ने बॉलीवुड में बढ़ते हुए ड्रग्स इशू पर खुलकर अपनी राय सामने रखी। इंटरव्यू में सनी देओल ने बॉलीवुड में सालों से चले आ रहे ड्रग्स इशू पर अपनी राय सामने रखी। जब उनसे ये पूछा गया कि एक लंबे समय से बॉलीवुड पर ये आरोप लगता रहा है कि उनकी पार्टीज में ड्रग्स जैसी चीजों का इस्तेमाल होता है, इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही, तो वो सुनिए। सनी देओल ने तपाक से इसका जवाब देते हुए कहा कि सड़ा हुआ बॉलीवुड नहीं है, सड़े हुए लोग है। वो किस फील्ड में नहीं है आप बताइए, बिजनेसमैन हो, स्पोर्ट्समैन हो, जहां लत लगी हो वो चारों तरफ है। हम ग्लैमर्स वाले हैं तो उन्हें हमारे ऊपर उंगली उठाने में मजा आता है, ऐसा सनी देओल ने जवाब दिया। तो ये थी आज की बॉलीवुड की 5 मसालेदार खबरें। रोजाना ऐसे ही मसालेदार खबरें देखने के लिए देखते रहिए बॉलीवुड टॉप 5 सिर्फ और सिर्फ NBCN न्यूज पर।